किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए उस राष्ट्र की समृद्ध संस्कृति का उत्थान तथा संरक्षण जरूरी है। देवभूमि लाहौल स्पीति हिमाच्छादित दुर्गम पहाड़ियों के बीच पश्चिमी हिमालयम स्थित हिमाचल प्रदेश का एक समृद्ध शांत और सीमांत जिला है। यहाँ की समृद्ध संस्कृति, खान पान, वेशभूषा, नृत्य, संगीत, मेले, त्योहार, उत्सव तथा पारंपरिक खेल व जनजीवन पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। शासन और प्रशासन दोनों के साझे प्रयास से इस बार फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स स्नो फेस्टिवल का बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया, जिसमें महिला मंडलों, युवा मंडलों तथा पंचायत जनप्रतिनिधियों का विशेष योगदान रहा है। चाहे नृत्य व संगीत की बात हो या फिर आतिथ्य सत्कार की, इस उत्सव के माध्यम से लाहौल स्पीति की महिलाओं ने महिला सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण पेश किया। विश्व भर में मनाए जाने वाले सबसे लंबे उत्सवों में यह एक प्रमुख उत्सव है जो 75 दिनों में संपन्न हुआ है। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य लाहौल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन है। इस उत्सव के माध्यम से चंद्रभागा उपत्यका के लोगों के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामाजिक मान्यताओं और रीति रिवाजों का आदान प्रदान हुआ है। इस उत्सव के माध्यम से हिंदू और बौद्ध धर्मों के लोगों ने बिना किसी भेदभाव के सामाजिक मान्यताओं और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते हुए लाहौल की सांस्कृतिक विरासत को अक्षुण्ण बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लाहौल के कई प्राचीन पारंपरिक उत्सव जैसे केलंग में गमचा उत्सव, कीर्तिंग में रैंक जातर, शांशा में शंग जातर आदि समय के प्रवाह में विलीन हो गई थी, लेकिन स्नो फेस्टिवल के माध्यम से उन्हें पुनर्जीवन मिला है। भातृत्व को संदेश देने वाले इन त्योहारों के पुनर्जीवित होने से लाहौल स्पीति की संस्कृति और सभ्यता को विस्तार मिलेगा। जीरो बजट से शुरू किए गए इस उत्सव के माध्यम से जहां एक और घाटी में पर्यटन और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, वहीं दूसरी ओर यहां के लोगों का आर्थिक जीवन भी सुदृढ़ होगा। शगुन भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन प्राचीन काल से होता आ रहा है। लाहौल स्पीति में भी शुभ कार्य का आरंभ स्वागत सत्कार से किया जाता है। स्थानीय भाषा में इस रस्म को शागुन या शगुन कहा जाता है। पारंपरिक परिधानों से सुसज्जित पुरुष व स्त्रियां कांसे की थाली में चीनी मिश्रित सत्तू में देसी घी से निर्मित मारपीणी तथा हाथों में छंग या सरा लेकर शागुन की रस्म को निभाते हैं। वैसे तो घाटी में समय समय पर अनेक त्योहारों का आयोजन होता है, लेकिन चंद्र घाटी में कुंस तथा लोसर से तथा पट्टन घाटी में उधन या उतना से नववर्ष का आगमन माना जाता है। चंद्र और भागा घाटी में हालडा के दूसरे दिन कुंस तथा फेक का त्योहार प्रारंभ हो जाता है और स्थानीय लोग दो दिनों तक घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। पट्टन घाटी में इस त्योहार को कुंह कहा जाता है, जो खौल के लगभग 15 दिनों के बाद अमावस्या की रात को मनाया जाता है। ये त्योहार भी आपसी सद्भाव और प्रेम भाव का प्रतीक है। लोग पारंपरिक परिधानों से सुसज्जित वस्त्र पहनकर हाथों में योरा अर्थात जौ के पीले फूल लिए एक दूसरे के घर में जाते हैं और पुराने गिले शिकवे भुलाकर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। इस अवसर पर लोग मार्चू, मना, छुंग, मोमो इत्यादि पारंपरिक व्यंजनों को बड़े चाव से खाते हैं। त्योहारों की कड़ी में पुना, किंच पर्व, लामोही आदि त्योहारों का भी आयोजन होता है। भागा घाटी में पुत्र जन्म के उपलक्ष में एक विशेष प्रकार के पर्व को विशेष मान्यता प्राप्त है, जिसे स्थानीय भाषा में गोची कहा जाता है। संपूर्ण भारत में एक अनुकरणीय मिसाल का प्रतीक प्यूकर गांव में पुत्री के जन्म पर गोची पर्व मनाने की प्राचीन परंपरा है। इस अवसर पर विशेष विधि विधानों से पारंपरिक अनुष्ठानों के रस्म निभाए जाते हैं।
इस पर्व में पुरुष पारंपरिक परिधानों से सज धज कर टोंगरा और शेणी नृत्य करते हैं। इसी प्रकार लाहौल घाटी में आदि पर्व योर भी मनाया जाता है। गाहर घाटी के प्यूकर कारदंग तथा प्यासो गांव में हालडा के तीसरे दिन योर अर्थात बक्योरद अर्थात मुखोटा नृत्य का पर्व मनाया जाता है। इस उत्सव में दो मुखोटा धारकों तेबा अर्थात नर और फेचेबा अर्थात नारी दंपति युगल के साथ उनके 5 बच्चे भी सम्मिलित होते हैं, जिन्हें शमारची कहा जाता है। जनश्रुति है कि प्यूकर भूभाग के 3 स्थानों में निवास करने वाली जोगनियां लोगों को परेशान किया करती थी। इनके आतंक से बचने के लिए देवराज तंगजर और शर्नक ने अपने 2 वीरों यथा तेबा अर्थात नर और फेचेबा अर्थात नारी को ग्रामवासियों की रक्षा का जिम्मा सौंपा। परंपरागत वाद्य यंत्रों की थाप पर सभी मुखोटा धारक और शमारची पारंपरिक मुखोटा नृत्य करते हैं। इस नृत्य के पश्चात सभी गांववासी मक्खन निर्मित फोची अर्थात बकरे की आकृति को नर्तकों के हाथ में रख देते हैं और नर्तक उसे देवताओं को अर्पित करते हैं। जोबरंग योर में गामी अर्थात नर व मेजमी अर्थात मादा और खुरिंजा नामक 3 काष्ठ निर्मित मोहरे शिव गणों के प्रतीक माने जाते हैं, जहां खुरिंजा ग्राम देवता का भी प्रतिनिधित्व करता है। खुरिंजा नामक मुखोटाधारी शयन अवस्था में वर्ष भर के आने वाले समय की भविष्यवाणी करता है। अंतिम दिन मोहरों द्वारा कृषि से संबंधित फसल की बुआई कटाई और संग्रहण का अभिनय किया जाता है। इसी प्रकार उड़गोस का योर संतति प्राप्ति के उद्देश्य से मनाया जाता है, जिसमें बर्फ का राश अर्थात हिम शिवलिंग बनाकर उसके चारों ओर विधिवत पूजा अर्चना करने के पश्चात विशेष रागों पर आधारित नृत्य किया जाता है। इस अवसर पर काले और 2 सफेद रंग के 3 मोहरे पहने जाते हैं, जो स्थानीय भाषा में लादो अर्थात देवता, लामू अर्थात देवी और खुरिंज के प्रतीक होते हैं। घाटी के त्रिलोकनाथ का योर भी अपने आप में विशेष स्थान रखता है। ये पर्व प्रजा की सुख समृद्धि और पितरों की शांति के लिए मनाया जाता है। राणा वंश के पितरों को श्रद्धांजलि के तौर पर योरा अर्पित किया जाता है। मुख्य गुर की अगुवाई में लमशिंग अर्थात लंबी श्रेणी नृत्य का आयोजन किया जाता है। इसी के साथ साथ मदिरा और स्थानीय व्यंजनों का दौर भी चलता रहता है। मडग्रा में तू योर अर्थात पहला योर के दिन 10 बजे के आसपास सुरगी निकाली जाती है और 2 बार श्रेणी नृत्य किया जाता है। इष्ट देवी देवताओं के साथ साथ राणा वंश के पितरों को पीले जौ के फूल अर्पित करते हैं। सोमवार को सुरगी के साथ 3रा श्रेणी नृत्य तथा गर्फी नृत्य भी किया जाता है। मंगलवार को गुर भाट और ग्रामवासियों के सहयोग से लन लिहजी अर्थात हवा भगाने की परंपरा के साथ ये पर्व संपन्न होता है। इसी तरह तोद घाटी और मयाड़ घाटी में गुरु पदम संभव के जन्म दिवस पर पूजा पाठ के पश्चात छेशु दछंग के अवसर पर 3 दिवसीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जो कि युद्ध कौशल में दक्षता हासिल करने का परिचायक त्योहार है। इसी तरह खंगसर खर में गुनछुद के अवसर पर मुखौटा नृत्य का आयोजन किया जाता है, जिसमें नृत्य व अभिनय के द्वारा फूछप्पा अर्थात वानर एवं राक्षसी नीलदापा अर्थात पांडवों का स्वर्गारोहण दृश्य और छोमो कुकू बंग चोक चोक अर्थात पंच पूजनीय देवियां से संबंधित मुखौटा नृत्य किया जाता है। जिस प्रकार घाटी के त्योहार अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं, उसी प्रकार विकट भौगोलिक परिस्थितियों में भी लाहौल घाटी के स्थानीय कलाकारों और कारीगरों ने हस्तकला एवं कारीगरी की ऐसी मिसाल पेश की है जो अपने आप में लाहौल की समृद्ध संस्कृति का परिचायक है। उत्सव के दौरान ऐसे ही संजोई हुई विरासती वस्तुओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें रहेंगा राहटी फेंजा कित्ती छोंजोम छोई कुवद डोगमु रेन पुले काती अर्थात कैंची पऊ पंगिच चोमो कुरु थोबी थाज लोहा डावलो पटिका गविच छिंगमे जोपा संफोर कलची मेरंग मागो कजू और का अर्थात पटन में थम शिर
धोकतल, दोलतोग आदि प्रमुख हैं। इसके साथ साथ यहाँ के स्थानीय कलाकारों द्वारा बर्फ से गोंदला किला, गौतम बुद्ध, राशिल लेचा मेमे, छोरतेन की गोंपा तथा हल बैल की खेती से संबंधित आकृतियां भी प्रदर्शित की गई, जिन्होंने स्नो फेस्टिवल की शोभा बढ़ाई। सांस्कृतिक पुनरुत्थान। स्नो फेस्टिवल के माध्यम से जहां घाटी के लोगों को एक दूसरे की समृद्ध संस्कृति से परिचित होने का अवसर मिला, वहीं दूसरी ओर घाटी के जागरूक लोगों ने सांस्कृतिक पुनरुत्थान के नए आयाम भी स्थापित किए। घाटी में कई पर्व और त्योहार विलुप्त हो चुके थे, जिन्हें नवीन पीढ़ी भूल चुकी थी, लेकिन स्नो फेस्टिवल के कारण बहुत से दम तोड़ चुकी परंपराओं को लगभग सैकड़ों वर्ष के पश्चात पुनर्जीवित किया गया, जिसमें शांशा गांव में शंग जातर, किर्तिंग गांव में राइक जातर तथा केलंग में गमचा जातर को फिर से आरंभ किया गया। पारंपरिक खेलें, जिस प्रकार स्नो फेस्टिवल के माध्यम से अनेक त्योहारों को लोगों ने पुनर्जीवित किया, उसी प्रकार लाहौल स्पीति के बहुत से पारंपरिक खेलों का भी पुनरुत्थान हुआ, जिनमें छोलो, रस्सा कस्सी, तीरंदाजी तथा बंगताड़ आदि खेलों में पुरुष और महिला प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। लाहौल घाटी की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर अर्थात थाटी के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स स्नो फेस्टिवल के अवसर पर हिमाचल प्रदेश सरकार के कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी इस समारोह के साक्षी बने। माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी के निर्देशन एवं मार्गदर्शन से ही ये उत्सव सफलतापूर्वक संपन्न हो पाया है। साथ ही तकनीकी शिक्षा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं जनजातीय विकास मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा जी का भी भरपूर सहयोग रहा। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी ने स्नो फेस्टिवल के 67वें दिन सत्तू से बने मरपीणी अर्थात लोकल केक काटकर स्नो फेस्टिवल के सफल आयोजन के लिए पुरस्कृत स्कॉच अवार्ड की जिला प्रशासन एवं समस्त लाहौल स्पीति वासियों को बधाई एवं भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। घाटी में इस साल संपन्न हुआ ये स्नो फेस्टिवल उम्मीदों का नया सवेरा लेकर आया है। 75 दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल के माध्यम से पर्यटन उद्योग को नए पंख मिले हैं। देह जमा देने वाली कड़ाके की ठंड में भी घाटी की महिलाओं ने अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके एक जीवंत उदाहरण पेश किया। साथ ही साथ संस्कृति के आदान प्रदान ने भी लोगों में आपसी स्नेह, सौहार्दता और भाईचारे की भावना को विकसित किया। घाटी के लोगों की जागरूकता, एकजुटता और जुझारूपन ने एक ऐसी मिसाल पेश की है जो अपने आप में एक सराहनीय कदम है। आशा है भविष्य में लाहौल घाटी विकास के नए आयामों को छुएगी।